तो भाई लोग हिस्ट्री में कुछ इस तरह की इवेंट्स और इन्वेंशंस हुई हैं जिन्होंने इस दुनिया पर एक अनइरेजेबल मार्क छोड़ा है, और उन्हीं में से एक था द इन्वेंशन ऑफ एटम बॉम्ब, जिसने इस दुनिया और इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया था। और इस एटम बॉम्ब नाम के मौत के फरमान को बनाने वाले जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की जिंदगी पर बनी हुई मूवी ओपनहाइमर मैंने देखी है, जिसको डायरेक्ट किया है द ग्रेट क्रिस्टोफर नोलन ने। एंड ओ माई गॉड, आई डिडंट न्यू दैट आई एम इन फॉर अ ट्रीट। तो आज इस वीडियो में वी आर गोना रिव्यू ओपनहाइमर एंड आई विल टेल यू व्हाट्स गुड इन इट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये मूवी बेस्ड है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की लाइफ पर, जिनको फादर ऑफ एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। उनका सफर मैनहट्टन प्रोजेक्ट तक का, कैसे उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को फुलफिल किया और उसकी बाद उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़े, वो हमें इस मूवी में दिखाया जाता है। इस मूवी का रन टाइम 3 आवर्स का है, लेकिन ये मूवी आपको बोर कहीं पर भी नहीं करेगी, क्योंकि इस मूवी का सोर्स मटेरियल इतना ज्यादा डेंस है और वो बड़े पर्दे पर बखूबी निखर कर आता है। एंड फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड दिस मूवी विल हुक यू अप एंड यू विल बी ईगरली वेटिंग फॉर What's gonna happen next? The direction. अब ये बात में छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि भाई ओपनहाइमर इज द क्राउनिंग ज्यूल ऑफ क्रिस्टोफर नोलन्स फिल्मोग्राफी। उन्होंने एक बार फिर साबित किया इस मूवी में कि क्यों उनको वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ करंट टाइम समझा जाता है। एंड दैट्स प्योरली बिकॉज ऑफ द मैजिक ही मेक्स फॉर द बिग स्क्रीन। एंड सेम ही हैज डन इन ओपनहाइमर एज वेल। फ्रॉम द इमेजिनेशन टू एग्जीक्यूशन हर चीज कमाल की थी। जहाँ ओपनहाइमर सारे एटॉमिक रिएक्शंस को अपने माइंड में विजुअलाइज कर रहा होता है, वो सारे सीन्स कमाल के हैं। और एक चीज जो इस पूरे विजुअल एक्सपीरियंस को और एनहांस करती है कि क्रिस्टोफर नोलन ने ये क्लेम किया है कि फॉर दिस मूवी उन्होंने एक भी सीजीआई शॉट नहीं लिया है। और अगर उन्होंने ये प्रोडक्ट विदाउट अ सिंगल सीजीआई शॉट अचीव किया है, तो भाई क्रिस्टोफर नोलन की इज्जत में सर झुका दो सारे के सारे। दी एक्टिंग। अब भाई किलियन मर्फी एक बहुत ही कमाल के एक्टर है और हम तो उनके थॉमस शेल्बी के फैन बॉय है ही, लेकिन यहाँ पर एज ओपनहाइमर उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। एक साइंटिस्ट की बेचैनी टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड then realizing के how this will affect the course of humanity, वो moment of guilt and absolute terror on his face were tremendous, कि उनको पता है कि करोड़ों जाने गई हैं सिर्फ उनकी एक invention की वजह से। जहां सब उनको celebrate कर रहे हैं, वो खुद के guilt से लड़ रहे हैं। वो सारे के सारे shots और Cillian Murphy की amazing acting was just mesmerizing. And same goes for the whole cast. सब ने एक कमाल की performance forefront पर रखी है, पर भाई साहब अपने Robert Downey जूनियर एस लुइस स्ट्रॉस का माल कर दिया उन्होंने। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड किलियन मर्फी, इन दोनों के परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा उभर के आते हैं इस मूवी में। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर इन दोनों में से किसी एक को ऑस्कर मिलता है फॉर दिस मूवी, बिकॉज दे हैव रियली डन अ फैबुलस जॉब। फाइनल वर्डिक्ट। अब देखो भाई, अगर तुम मेरी मानते हो तो जाओ और जाकर ये मूवी लाजमी देखो, क्योंकि ये मूवी एक साइनेमेटिक ब्रिलियंस को शोकेस करती है। ये मूवी हर डिपार्टमेंट में खड़ी उतरती है, अब चाहे वो टेक्निकल हो या फिर परफॉर्मेंस। मैं कहीं जगह पर इमोशनल हो गया था एज अ मूवी एंथुसियास्ट, जस्ट ये सोचकर कि आखिर इन सीन्स को सोचा, लिखा और एग्जीक्यूट कैसे किया गया होगा। एंड दैट्स वेयर क्रिस्टोफर नोलन्स ब्रिलियंट माइंड कम्स इनटू प्ले। एंड फॉर मी ये इस साल की सबसे अच्छी मूवी थी, फिल्ड विद ग्रेट परफॉर्मेंसेस, ग्रेट स्क्रीन प्ले, एंड ड्यू टू दैट वी गेट अ फिनोमिनल फिल्म। और तुम्हें इस मूवी से सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि आज जो हम इस दुनिया में न्यूक्लियर वॉरफेयर की बातें सुनते हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई और क्या कुछ सैक्रिफाइस हुआ जस्ट इसको अचीव करने के लिए। तेरा आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम सब कब जा रहे हो ओपनहाइमर देखने के लिए, और अगर तुमने देख लिया तो तुम्हारे क्या रिव्यूज हैं इस मूवी को लेकर। और हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो चुके हैं, तो तुम सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।